राधिका, बहुत गुस्सा है मुझ पे, बात भी नहीं करेगी। अगर मैं तुझसे ये कहूं कि मैं कल तुझे संदीप से मिलाने ले जाऊंगा, फिर भी मुझसे बात नहीं करेगी? हरीश, हम कल सुबह उससे मिलने जाएंगे, मैं तुम्हें वहां पर ले जाऊंगा। लेकिन मम्मी डैडी, डैडी के ऑफिस जाने बाद हम यहां से निकलेंगे। मम्मी को मैं संभाल लूंगा। एंड नाउ यू प्रॉमिस मी कि तुम रहोगे। मम्मी सुनो। क्या है? एक मिनट फोन रखो। अरे मुझे तुमसे बात करनी है। क्या बात करनी है? तुम्हें पता है कि संदीप हॉस्पिटल में है। राधिका और मैं एक बार उसे देखने के लिए वहां जाना चाहते हैं। राधिका वहां जाएगी? नहीं नहीं, और तुम्हें भी वहां जाने की क्या जरूरत है? मम्मी संदीप अभी मौत के मुंह से बचकर निकला है, राधिका एक बार उसे देखना चाहती है और तुम। देखो हरीश, दोबारा वही सिलसिला शुरू हो जाएगा। आज जाएगी फिर कल जाना चाहेगी। मैंने कहा ना सिर्फ आज का एक दिन, सिर्फ आज का दिन। नहीं, मैंने एक बार कह दिया ना, नहीं बस नहीं। मम्मी मैं जाऊंगी। हरीश तुम चल रहे हो मेरे साथ या मैं अकेली जाऊं? नहीं मैं तुम्हारे साथ आ रहा हूं। दरवाजा खोलो। दिन भर इस घर में या तो फोन की घंटी बजती रहेगी या तो दरवाजे की, और अटेंड मुझे को करना होगा क्योंकि बाकी सब तो अपने अपने कामों पर। तुम? नमस्ते भाभी। नमस्ते, कैसे आना हुआ? संदीप कैसा है, कहाँ है वो? तो तुम्हें भी पता चल गया संदीप के बारे में? ठीक है वो, लेकिन इस वक्त घर में नहीं। नहीं हॉस्पिटल में भी नहीं, लेकिन एक मिनट रुको। वो ये लोग संदीप के बारे में। वहां क्यों खड़े, आ जा। संदीप के बारे में सुना तो बहुत फिक्र हो गई। कैसा है संदीप? मैंने कहा ना कि वो ठीक है, तुम कितनी बार पूछोगी उसके बारे में? मैं संदीप से कह दूंगी कि तुम उसकी खैरियत पूछने आई थी, लेकिन तुम उससे ना मिलो तो बेहतर होगा, तुम्हारे लिए भी और हमारे लिए। प्लीज भाभी ऐसा मत कहिए, बड़ी मुश्किल से मैं घर से निकल कर आई, सिर्फ
एक बार मुझे और जो मुश्किल तुमने हमारे लिए खड़ी की है उसका क्या? कभी पुलिस के चक्कर काट रहे हैं, कभी अस्पताल के चक्कर काट रहे हैं। अरे ऐश करो तुम लोग और परेशानी झेले हम लोग। प्लीज हम पर एक मेहरबानी करो, हमारा पीछा छोड़ दो। जहाँ तुम्हारे माँ बाप कहते हैं वही शादी कर लो प्लीज, इसमें सबकी भलाई। शालिनी तुम चुप रहो, इनकी वजह से और परेशानियां नहीं झेलनी हमें। अब तक जो कुछ भी हुआ बहुत है। हम यहाँ संदीप से मिलने आए हैं, आपकी बहस सुनने नहीं। आप सिर्फ इतना बता दीजिए कि इस वक्त संदीप है कहाँ। नहीं पता हमें। मैं बताती हूँ संदीप कहाँ है, तुम लोग मेरे साथ चलो। संदीप के बारे में बहुत चिंता हो रही है मुझे। चिंता चलो आपके साथ यहाँ रह रहा है, वरना घर पे रहता तो वही सब बातें सोचता रहता। अब मैं कुछ नहीं सोचता दीदी। सोचने से फायदा भी क्या? जो सोचा गलत हो गया। ओए तू मानता है ना, जो भी हुआ गलत हुआ, तू अब सही सही सोच। अब तो ऐसी उदासी वाली बातें मत किया कर। ये सुनकर हमारा दिल ना कट कर रह जाता। और बहन जी के दिल में क्या बीतती होगी है? ठीक है नहीं करूंगा, लेकिन दीदी अब मैं घर वापस आना चाहता हूँ। ओए क्यों, क्या तकलीफ है तुझे यहाँ पे? तू कार जाएगा, वो शैतान का बच्चा इंस्पेक्टर वो सामान तेरे को टूटता है आ गया तो? मैं जानता हूँ वो हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकता, पर हम जानबूझ के साहब के बिल में हाथ क्यों पाए? अब जब तक सब मामला ठंडा नहीं हो जाता ना, तू यहीं पे रहेगा, समझा ना तू? वीर जी। ओए अब ये किसकी आवाज है? नमस्ते वीर जी। माधवी आई है। आओ जी आओ जी, कितना प्यार है अपने भरा के लिए। पहले वड्डी बहन जी आई, अब छोटी भी आ गई। लेकिन मैं अकेली नहीं आई हूँ, मेरे साथ कोई और भी आया है। कौन है? राधिका आई है। बुला उसे। राधिका आ जाओ। नमस्ते दीदी। नमस्ते। तुम यहाँ कैसे आई? बस आप सबसे मिलने आई। हरीश मेरे साथ आया है। नमस्ते। बैठो ना। संदीप तुम कैसे हो? हाँ मैं ठीक हूँ, तुम कैसी हो राधिका? ठीक। ललिता बहन जी ऐसे करते हैं, हम ना अंदर चल के बैठते हैं, बच्चों को बात कर लेने दो जरा। खुश कीते आज लस्सी पीते जी। संदीप मेरे सवाल का जवाब दो, तुमने नींद की गोलियां क्यों खाई? तुम्हारे सवाल का मैं क्या जवाब दूं राधिका? नींद की गोलियां कोई क्यों खाता? मैं दूं इस सवाल का जवाब? लोग इसलिए मरना चाहते हैं क्योंकि वो बुजदिल होते हैं। हालात से लड़ने की उनमें हिम्मत नहीं होती, मुश्किलों से बचने का आसान तरीका ढूंढ लेते हैं और तब
उन्हें किसी की कोई परवाह नहीं होती। उनके बाद कोई जिए या मरे, उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता। ये सब क्या कह रही हो तुम? ठीक कह रही हूँ। जिसे अपनी परवाह नहीं, वो किसी और की परवाह क्या करेगा? संदीप, तुमने भी मेरे बारे में नहीं सोचा। तुम्हारे मन में जरा भी ख्याल नहीं आया कि तुम्हारे बाद मेरा क्या होगा? अगर इतना ख्याल था मेरा, तो सब कुछ छोड़ छाड़ कर आ क्यों नहीं गई मेरे पास? क्यों बैठी रही अपने डैडी के यहां? लॉकअप से छूटने के बाद मैं किसी को मुंह दिखाने लायक नहीं रहा। घर से बाहर निकलता हूं तो मारे शर्म के सिर झुका कर चलना पड़ता है मुझे, और ये सब तुम्हारी वजह से हुआ। ये सब मेरी वजह से हुआ? हाँ हाँ, तुम्हारी वजह से हुआ। भूल हो गई जो तुमसे प्यार किया, तुमसे शादी करने का इरादा रखा, गलती थी मेरी। संदीप, ये तुम क्या कह रहे हो, और ये बात तुम्हारे मन में आई भी कैसे? तुम क्यों झगड़ा कर रहे हो दोनों? राधिका दीदी, अरे क्यों रो रहे हो? संदीप कहता है कि मुझसे शादी करने का इरादा करके उसने बहुत बड़ी भूल की है, और मुझसे प्यार करके उसने बहुत बड़ी गलती की है। रो मत राधिका, रो मत। ये तुझसे बहुत चाहता है, इसीलिए तुझसे झगड़ा कर रहा था। ये दादा जी उसने क्यों की पता है? क्योंकि मैंने ही उसे कहा था कि तेरे साथ उसकी शादी नहीं हो सकती, और मैंने ही कहा था उसे वो तुझे भूल जाए। मैंने तय कर लिया है, कुछ भी हो जाए तुम दोनों की शादी होकर ही रहेगी। तुम दोनों के सुख के लिए कुछ भी सहना पड़े, मुझे मंजूर है। घर में सन्नाटा है, बच्चे कहाँ गए? आपके लिए चाय ले आती हूँ। नहीं नहीं, ऑफिस से चाय पीकर आया हूँ मैं। जरा हरीश को बुलाओ, जरूरी काम है। हरीश राधिका के साथ बाहर गया है संदीप से मिलने। देखो रहे, राधिका क्यों गई है वहां? तूने जाने क्यों दिया उसे? मैंने उसे रोकने की बहुत कोशिश की, लेकिन वो नहीं रुकी। उसे बहुत डांटा, समझाया, लेकिन वो मानी नहीं। इंसान कभी कभी बहुत बेबस हो जाता है, न चाहते हुए भी माँ बाप का हुक्म मानने से इनकार कर देता है। ये उम्र ही ऐसी होती है, थोड़ा बचपन, थोड़ी जवानी। संदीप के बारे में सुनने के बाद वो अपने आप को रोक नहीं सकी। लेकिन आज आप उस पर गुस्सा मत करना प्लीज। मैं देख रहा हूँ तुम भी नरम पड़ रही हो, लेकिन सख्ती तो बरतनी ही पड़ेगी, वरना उसकी हिम्मत और बढ़ती जाएगी। क्या मैं इंस्पेक्टर सामन जी से बात कर सकता हूं? हाँ इंस्पेक्टर सामन जी, आप इनाम लेने नहीं आए? कौन बोल रहा है? पटेल बोल रहा हूँ। हेलो, नमस्ते पटेल साहब। क्या हुआ उस लड़के का? साहब वो अस्पताल से गायब हो गया है। गायब हो गया? उसके घर पर भी नहीं है वो, कहाँ छिप कर बैठा है कुछ पता नहीं चल रहा है। आप जैसे पुलिस वाले भी उसे नहीं ढूंढ सकते? देखिए सामन जी, ये मौका हाथ से मत गवाइए। हाँ, किसी भी तरह उसे ढूंढ कर निकालिए।
मैं कोशिश कर रहा हूँ पटेल साहब, मैं कोशिश कर रहा हूँ। उसका पता चलते ही मैं आपको फोन कर दूंगा। पहले गिरफ्तार कीजिए, उसके बाद फोन कीजिए। राधिका को वहां क्यों ले गए थे? संदीप से मिलाने ले गया था, राधिका उससे मिलना चाहती थी। राधिका कहेगी कुएं में कूद कर वो मर जाना चाहती है, कुएं में ढकेल दोगे उसे? डैड आप गुस्सा मत होइए, राधिका बहुत अपसेट थी और उसकी ये हालत मैं देख नहीं सकता था, इसलिए जब राधिका ने मुझसे कहा तो मैं इनकार कर ना सका। इस बेवकूफ लड़की से अगर तुम्हें इतनी हमदर्दी है तो इसे वापस क्यों ले आए? उन्हें शादी करवा देते, कन्यादान भी कर देते उसका, इसे अपने साथ घर क्यों ले आज? इसलिए वापस लाया हूं क्योंकि मैं उसकी शादी कराने नहीं ले गया। आप संदीप की मौत की दुआ मांग सकते हैं लेकिन मेरे मन में ऐसा नीच ख्याल कभी नहीं आ सकता। क्या कहा तुमने? तुमने ये कहा कि मैं नीच ख्याल का आदमी हूं। जो सांप इस घर के खुशियों को डसना चाहता है उसके खातिर तुमने मुझे नीच कहा। घटिया लफ्ज मेरे बारे में इस्तेमाल करने की हिम्मत कैसे की तूने? अगर इसके बाद इस मामले में तुमने राधिका का साथ दिया तो मैं तुम्हें घर से बाहर निकाल दूंगा, फिर इस घर में तुम्हारी कोई जगह नहीं रहेगी।